ये आकाशवाणी है बा और बापू। आज प्रस्तुत है महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ विशेष घटनाओं पर आधारित हिंदी नाटक। नाटक के लेखक हैं श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक और निर्देशक श्री सुदर्शन कुमार। तो लीजिए सुनिए नाटक बा और बापू। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। उपस्थित सज्जनों, कल समारोह की अध्यक्षता करते हुए श्रीमान महाराजा साहब ने भारत की जिस गरीबी की चर्चा की वो हमारी विचार शक्ति से बिल्कुल परे की चीज थी। दूसरे वक्ताओं ने भी देश की गरीबी पर बहुत जोर दिया था, लेकिन विश्वविद्यालय की आधारशिला रखते हुए जब हमने वायसराय को इसी विशाल पंडाल में देखा तो हमें किस बात का प्रमाण मिला? निश्चय ही वो एक बहुत बड़ी तड़क भड़क का प्रदर्शन था। हीरे जवाहरात की एक नुमाइश, पेरिस से आए हुए बड़े से बड़े जौहरियों की आंखों के लिए ये एक अभूतपूर्व दावत थी। जरा तुलना कीजिए इन रईस जादों की भारत की कोटि कोटि गरीब जनता से। मैं इन महानुभावों से ये कहने के लिए विवश हूं, जब तक आप इन बेशकीमती आभूषणों को उतार कर नहीं फेंकते और देशवासियों की ओर ध्यान नहीं देते तब तक हिंदुस्तान की मुक्ति संभव नहीं है। मैं क्रांतिकारियों की देशभक्ति की प्रशंसा करता हूं, लेकिन जहां तक उनकी हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं मैं उनका समर्थक नहीं हूं। मुझे बताया गया है कि कुछ लोग हैं जो बम फेंकने में भागीदार नहीं हैं। हम हिंसा से कुछ हासिल नहीं कर सकते। बंद करो ये सब, मैं कहती हूँ बहुत हुआ, बंद करो। ये सब मैंने उस समय बंगाल में भी कहा था जब सभा की अध्यक्षता मिस्टर लियन कर रहे थे। मेरा विचार है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो कहना इस समय बहुत ही जरूरी है। ऐसी बातें सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए थे। ये सब क्या हुआ बाबू? सभा का इस तरह भंग हो जाना बड़े ही आश्चर्य की बात है। श्रीमती एनी बेसेंट तो एकदम आपे से बाहर हो गई थी। सभा अध्यक्ष दरभंगा नरेश, सभी राजे महाराजे और दूसरे प्रतिष्ठित लोग भी गुस्से से भरे सभा से उठकर चले गए। मैंने जी उबाने वाले भाषणों के बीच से उठकर जाती हुई जनता देखी है। मैंने वक्ताओं को भाषण बीच ही में छोड़कर बैठ जाने को विवश होते हुए भी देखा है, लेकिन मैंने ये कहीं नहीं देखा कि अध्यक्ष ही सभा से उठकर चला जाए। लेकिन ये सब कुछ अच्छा तो नहीं हुआ? अब मैं अपने आप तो बिना बुलाए भाषण देने नहीं आया था ना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के अवसर पर मुझे स्वयं मदन मोहन मालवीय जी ने अपने विचार प्रकट करने के लिए बुलाया था। मैं आया और जो मेरे विचार थे मैंने जनता के सामने रखे। ये तो ठीक है बापू, लेकिन जो हुआ वो कुछ अच्छा तो नहीं हुआ? अगर तुम इस अच्छा न होने की जिम्मेदारी मुझ पर डालते हो तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब सभा की सारी कार्यवाही एक विदेशी भाषा में हो रही थी तो क्या ये अच्छा हो रहा था? मेरे देश के विद्यार्थी विदेशी भाषा सीखने में अपने कई कीमती बरस बर्बाद करें, क्या ये अच्छी बात है? ये सब कुछ सही है बापू, लेकिन इतनी कटुता का कारण? ये कटुता नहीं है भाई, ये मेरे संकल्पों की दृढ़ता है। मैंने देश की गुलामी को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प किया है। मैंने अपनी खुली आंखों से इंसान की जो दुर्दशा होती देखी है उससे मेरा मन बहुत पीड़ित हुआ है।
अब मैं किसी भी कीमत पर इंसान का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर सभा में तो किसी का अपमान नहीं किया जा रहा था। बहुत तंग नजरिया है तुम्हारा भाई। अरे एक विदेशी गोरा हमारे देश में आकर हम पर रौब जमाए और हम उसके स्वागत में आंखें बिछाएं, क्या यह समूची इंसानियत का अपमान नहीं है? ये गोरे लोग किसी भी काले आदमी को देखते हैं तो घृणा से भर उठते हैं। ये किसी भी कानून और नियम कायदे को नहीं मानते। वो कैसे? मैंने वो दिन देखे जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था तो ऐसे बहुत से अवसर आए। एक बार की बात है, मैं एक मुकदमे के सिलसिले में नेटाल से दूसरी जगह जा रहा था। वेल मिस्टर गांधी, क्या आपको रात के लिए बिस्तर की जरूरत है? या नेटाल की राजधानी माइसबर्ग में सर्दी खड़ाके की पड़ती है। जी नहीं धन्यवाद, मेरे पास अपना बिस्तर है। ओ यू खड़ा आदमी, मिस्टर गांधी आप उठिए यहां से। क्यों? क्योंकि आपको यहां नहीं बैठना है। आप पीछे या तो माल डिब्बे में जाएं या गार्ड के डिब्बे। लेकिन मेरे पास फर्स्ट क्लास में सफर करने का टिकट है। ये देखिए है। तो हम क्या करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूं तुम्हें दूसरे डिब्बे में जाना ही पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि डरबन में मुझे इसी डिब्बे में बैठकर यात्रा करने की इजाजत मिली है और मैं इसी डिब्बे में यात्रा करने के लिए कटिबद्ध हूं। नहीं नहीं, तुम इस डिब्बे में सफर नहीं कर सकते। तुम्हें यह कंपार्टमेंट छोड़ना ही पड़ेगा। छोड़ते हो मैं पुलिस को बुलाऊं जो तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकाल कर फेंके। आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से यह डिब्बा छोड़ने वाला नहीं हूं। देखता हूं। कांस्टेबल। यस सर। इस आदमी को धक्के मार कर डिब्बे से बाहर निकालो और इसका सामान उठाकर भी बाहर फेंको। ये काला आदमी चला है अंग्रेज के साथ सफर करने। पुलिस के सिपाही ने रेलवे अधिकारी के कहने पर मेरी बांह पकड़ी, मुझे जबरदस्ती शीट से उठाया और धक्का देकर मुझे डब्बे से बाहर कर दिया। मेरा सामान भी बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? होना क्या था, मैं सारी रात अपने हैंडबैग को अपने हाथों में थामे वेटिंग रूम में बैठा रहा। गाड़ी चली गई, मेरा दूसरा सामान जहां पड़ा था मैंने वहीं पड़ा रहने दिया। तब फिर रात कैसे कटी? सारी रात मैं अपने कर्तव्यों के बारे में सोचता रहा। मैं अपने देश लौट जाऊं या मुझे अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए? अपने देश लौट जाना तो कायरता होगी। आखिर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि मुझे इस रंगभेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। गोरी जाति के अलावा दूसरे लोगों को कुली के सिवा कोई दूसरा दर्जा नहीं दिया जाता था वहां। मैं दक्षिण अफ्रीका में रुका और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का मैंने संकल्प किया। आज की घटना ने मेरे उस संकल्प को और दृढ़ कर दिया है। अच्छा अब तुम भी जाओ, बहुत समय हो रहा है। अच्छा अच्छा बाबा।
देखो भाई देखो देखो, हाँ। आज के अखबार में कल की घटना की जो रिपोर्ट छपी है उसके साथ अमेरिकी संवाददाता बॉब मिलर की टिप्पणी भी पढ़ने योग्य है। क्या लिखा है? लिखा है, 18 वर्षों से मैं दुनिया के 22 देशों में संवाददाता का काम कर चुका हूँ, लेकिन जैसा हृदय विदारक दृश्य मैंने धरसाना में देखा वैसा और कहीं देखने को नहीं मिला। कभी कभी तो दृश्य इतना लोम हर्षक और दर्दनाक हो जाता कि मैं देख भी नहीं सकता था और मुझे कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर लेनी पड़ती थी। इस पर भी स्वयं सेवकों का अनुशासन कमाल का था। गांधी जी की अहिंसा को उन्होंने रोम रोम में बसा लिया था। अरे ठीक ही तो लिखा है, सचमुच वो दृश्य बहुत ही रोमांचकारी था। सरकार ने बड़ी जबरदस्त तैयारी कर रखी थी। अच्छा? पुलिस के सैकड़ों जवान तो तैनात किए ही थे, डिपो के चारों ओर कांटेदार तार लगा दिए गए थे और खाई भी खोद दी गई थी। अच्छा? लेकिन सत्याग्रह ने इसकी कोई चिंता नहीं की। 2500 स्वयं सेवक थे आखिर, वे चुपचाप आगे बढ़े। जैसे ही पहला जत्था आगे बढ़ा पुलिस अधिकारियों ने दूर हट जाने की आज्ञा दी, लेकिन स्वयं सेवक पूरे उत्साह से आगे बढ़े। पुलिस के सैकड़ों जवान उन पर टूट पड़े और डंडे बरसाने लगे। सरकार की निशंसता का इससे भयानक दृश्य और कोई नहीं हो सकता। ये आंदोलन तो जैसे सफल होकर ही रहेगा, लेकिन अब आगे की योजनाएं? आगे की योजनाएं गांधी जी के जेल से छूटकर आने पर। अभी तो हमें नमक सत्याग्रह का आंदोलन तेज करना है। अरे मनु, तू ये क्या कर रही है? बापू के लिए बकरी का दूध छान रही हूँ बा। लेकिन ये काम तो मीरा करती है, वो कहाँ चली गई? वो सो रही थी, मैंने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। पर मनु, तू ये किस कपड़े में दूध छान रही है? बा, मीरा जिस कपड़े में दूध छानती है वो मुझे मिला नहीं, ये बारीक कपड़ा मुझे मिल गया, मैंने इसे ही उठा लिया। पर ये तो ठीक नहीं है। साफ तो है, इसमें क्या हुआ है? मैंने इसे धो भी लिया था। मनु, ये मिल का बना हुआ कपड़ा है, भला बापू के लिए इस कपड़े में दूध छाना जाता है? अपने पास खादी के कपड़े क्या कम है? तुम तो जानती हो खादी की स्वदेशी की प्रतिज्ञा की है। बापू इस मामले में बहुत कठोर है जी। उनका दूध मिल के कपड़े में छानना उनकी प्रतिज्ञा को कम करने जैसा है। मिलिया विलायती कपड़े से हमारा काम नहीं चल सकता जी। जा, अब खादी के कपड़े से दूध छान। और हाँ, भविष्य में इस प्रतिज्ञा को याद रखना। अच्छा बा, अब हमेशा ध्यान रखूंगी कि हमें अपने देश में बने वस्तुओं का ही उपयोग करना है। बा, मैं दूध दोबारा खादी के कपड़े में छान देती हूँ। जा। प्रणाम बापू। क्षमा करना शास्त्री जी, मुझे थोड़ी देर हो गई। कहिए, आपका आना कैसे हुआ? बापू, मुझे आप उपवास पर थोड़ा उपदेश करने की कृपा करेंगे? उपवास पर उपदेश? किस लिए? पहले ये बताइए आप किस लिए उपवास करना चाहते हैं? आपके ढंग से तो लगता है कि आपको कोई आंतरिक पीड़ा है। आपने ठीक समझा बापू, देख रहे हैं ना आप, मेरा ये असाध्य रोग, हर कोई तो मुझसे दूर भागता है। मैं उकता गया हूं अपने जीवन से और उपवास करके मरना चाहता हूं बापू। शास्त्री जी, उपवास आत्महत्या के लिए नहीं है, वो तो पाप है। किसी बड़े उद्देश्य के लिए उपवास करना चाहे तो मैं बता सकता हूं। मरना तो मुझे वैसे भी है, ये कुछ रोग भी क्या मुझे जीने देगा बाबू? शास्त्री जी, मैं आपको किसी तरह मरने नहीं दूंगा, न उपवास करके नहीं कोढ़ का कष्ट भोगकर। मैं आपका इलाज करूंगा, आप ठीक हो जाएंगे और जीवित रहेंगे बाबू।
देखा कनु, ऐसे हैं तुम्हारे बापू, पराए पीर को जानने वाले सच्चे वैष्णव, परचुरे शास्त्री के कुष्ठ को नित्य अपने हाथ से धोकर औषधयुक्त तेल की मालिश कर करके ठीक कर दिया। सच बा, बापू का कहना है कि जब तक हम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा नहीं समझेंगे, हम पीड़ित की सेवा कर ही नहीं सकते। बा, क्या कभी आपकी भी सेवा की है बापू ने? हाँ कनु, दक्षिण अफ्रीका में एक बार मैं बहुत बीमार पड़ी, डॉक्टरों के सारे इलाज बेकार गए, बापू के देसी इलाज से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। देखो ना, तो डॉक्टरी इलाज से लाभ हो रहा है और ना ही तुम्हारी प्राकृतिक चिकित्सा काम आ रही है। अब तो कोई तीसरा रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। हाँ, तीसरा रास्ता है और मेरा विश्वास है कि तुम उससे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगी। अच्छा, तो कहो ना, उस रास्ते की बात जल्दी कहो। तुम दाल और नमक खाना छोड़ दो। दाल और नमक खाना छोड़ दो? अरे, ये भी कोई इलाज है भला? देखो बाप, इस बारे में मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ। इस बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। हजार बार तुम मुझे प्राकृतिक चिकित्सा की दलीलें और उदाहरण सुना चुके हो, तुम्हारे जैसा दुराग्रही मैंने दूसरा नहीं देखा। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। दाल और नमक छोड़ने के लिए कोई आपसे भी कहे ना, तो आप भी नहीं छोड़ेंगे। देखो बा, देखो मेरी बात सुनो तुम। हटो परे, सर पर हाथ फेंकने की कोई जरूरत नहीं, कि प्यार चतलाना कहीं और जाकर। मैंने जो कहा उसका जवाब है तुम्हारे पास? जवाब है और सुनो, मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मेरे बारे में ख्याल गलत है। मैं अगर बीमार हूं और मुझे कोई डॉक्टर या वैद्य ये सलाह दे कि दाल और नमक छोड़ दो, तो मैं छोड़ दूंगा। बस बस, बात देखे मैंने। देखो बाप, बहुतों को मैं नहीं जानता, मैं अपनी बात कहता हूं। लो सुनो, तुम्हारे लिए आज से ही दाल और नमक एक साल तक मैं छोड़ देता हूं। हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब तुम छोड़ो या ना छोड़ो, मैंने तो आज से, बल्कि अभी से छोड़ दिया। माफ करो, मुझे माफ करो, आपका स्वभाव जानते हुए भी ये बात मेरे मुंह से निकल गई। सुनो, अब तो मैं दाल नमक नहीं खाऊंगी। पर आप अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लीजिए। अब ये तो मुश्किल है। अरे, इस तरह तो आप मुझे भारी सजा दे रहे हैं। नहीं बा, मैं सजा नहीं दे रहा हूं, तुम्हारी भलाई में तुम्हारा साथ दे रहा हूं। अब तुम दाल और नमक छोड़ दो तो बहुत ही अच्छा होगा, मुझे विश्वास है कि उससे तुम्हें लाभ ही होगा। पर तुम्हें इससे क्या लाभ होगा? मुझे एक तो प्रतिज्ञा पालन का लाभ होगा, जो फैसला कर लिया वो कर लिया, और दूसरे संयम से रहने की आदत पड़ेगी, सत्य के प्रति आग्रह की ये पहली सीढ़ी होगी। पर मैं तो ये कहूंगी। नहीं, नहीं नहीं, तुम कुछ मत कहो, अब तुम इस बात पर जोर मत दो, क्योंकि इससे मुझे भी अपनी आजमाइश कर लेने का मौका मिलेगा, और तुमने जो इनको छोड़ने का निश्चय किया है उस पर दृढ़ रहने में तुम्हें भी मदद मिलेगी। आप तो बड़े हठी हैं, किसी का कहना मानना सीखा ही नहीं आपने। लेकिन बा, ये कोई सेवा हुई? पगली, इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है कि उन्होंने मेरे साथ रोगी का भोजन लेना शुरू कर दिया था। बापू ने मेरी हर तरह से सेवा की, तब ये मेरे दांत तक साफ करते थे जैसे बच्चों के करते हैं। पेड़ के नीचे मेरी चारपाई ले जाते और दिन भर मालिश करते।
पता है इन्होंने मेरे सिर में तेल लगाकर कंघी तक करना सीख लिया था। अरे वाह। असल में कन्नो, बापू में मानव सेवा का ये भाव आचरण के कारण आया है। ये दूसरों को जो उपदेश देते हैं उसे अपने आचरण में ढालते हैं। बा, प्रार्थना सभा आरंभ हो गई है, मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ हाँ चलो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, लेकिन याद रखें रास्ता अहिंसा का ही अपनाना है। सभी से प्रेम करो, दुश्मन को भी प्रेम से जीतो। हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सभी ईश्वर के आगे बराबर हैं। एक बात और, चरखा कातो, रोज चरखा कातो, क्योंकि हमारी भारत माता के वस्त्र फटे हुए हैं। उसके शरीर के घावों को ढकने के लिए हमें अपना कपड़ा चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। राम बापू। हाँ वाओ, सूत काट रहे हैं? हाँ प्यारे लाल भाई, और कैसी हो, क्या खबर है? जी ठीक हूँ बापू, आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। अच्छा, अभी तक हमारे क्रांतिकारी हिंसक नहीं हुए हैं, वो अनुशासन और संयम बनाए हुए हैं। हाँ याद रखो प्यारे लाल भाई, यही संयम सत्याग्रह की कुंजी है। असहयोग, अहिंसा और सत्याग्रह, ये तीनों दृढ़ इच्छा शक्ति और संयमित आचरण पर ही आश्रित होते हैं। जी जानते हो ये बातें मैंने कहाँ से सीखी? अपने गुरु से। कौन है आपका गुरु? मेरा गुरु मेरी धर्म पत्नी कस्तूरबा। क्या बा और आपकी गुरु? हाँ भाई, दुनिया में किसी भी स्त्री के मुकाबले मेरी पत्नी ने मुझ पर अधिक प्रभाव डाला है। वैसे गुरु वही हो सकता है जो उपदेश पर स्वयं आचरण करे। जी मैं तुम्हें एक बार की घटना सुनाता हूँ। गीता के अनाशक्ति योग पर मैंने बा को कई बार उपदेश दिया, तभी एक प्रसंग ऐसा आ बना कि बा ने अनाशक्ति को अपने जीवन का ही अंग बना लिया। वो कैसे? बताता हूँ। अब तुम तो जानते ही हो स्त्रियों को आभूषणों से कितना गहरा लगाव होता है। हुआ ये कि नेटाल में मेरा जबरदस्त स्वागत सत्कार हुआ। जगह जगह पर अभिनंदन पत्रों और कीमती आभूषणों के उपहारों से जनता ने मुझ पर अपने प्रेम की वर्षा की। इन्हीं उपहारों में 50 गिनी का एक हार कस्तूरबा के लिए भी था। अब मैं ये उपहार अपने पास नहीं रखना चाहता था। पर क्यों बापू? सारी बात ध्यान से सुनो, खुद समझ जाओगे। मैंने 1000 बार समझाया है तुम्हें, मुझे गहनों से लदी स्त्री से बहुत चिढ़ है। ये गहने स्त्री की दासता के चिन्ह है। तो जो पुरुष स्त्रियों को गहने देते हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो स्त्रियों को बेवकूफ बनाते हैं।
पुरुष स्त्री को गहना इसलिए देता है कि वो उसकी कैद में रहे। ये एक प्रलोभन है जिसके द्वारा स्त्री को पुरुष अपने शिकंजे में रखता है। ये चूड़ियां, कंगन, कड़े वगैरह सब सोने की बेड़ियों का आकर्षक रूपांतर मात्र हैं, बस। तुम तो दर्शन बघारने लगे। दर्शन नहीं है बा, जरा सोचो, देश की करोड़ों गरीब जनता के पास अपना तन ढांपने को पर्याप्त वस्त्र तक नहीं है और हम आभूषणों से लदे फते रहे। पर ये आभूषण तुमने तो मुझे नहीं दिए हैं, ये तो उपहार में मिले हैं। देखो बा, हम इन उपहारों को, इन आभूषणों को अपने पास नहीं रख सकते। क्यों? सारी रात मैं इन्हीं के बारे में सोचता सो नहीं पाया हूं। पागलों की तरह जाग कर रात काटी है मैंने। कमरे में इधर से उधर टहलता रहा हूं और अंत में मैं इस फैसले पर पहुंचा हूं कि ये चीजें मैं हरगिज हरगिज नहीं रख सकता। पर क्यों? मैं पूछती हूं, क्यों नहीं रख सकते? इसमें हमारी मेहनत की कमाई कहां है? यह सब हमें लोगों की सेवा के उपलक्ष्य में मिला है। अरे मैं संपत्ति लेकर, पैसा लेकर सेवा करने को पाप समझता हूं और इसीलिए कहता हूं कि हम इन उपहारों को अपने पास नहीं रख सकते। पर इतनी सारी संपत्ति का क्या करोगे? कहां फेंकोगे इन गहनों को? क्या तुमने बेटों से भी पूछ लिया है? मैंने पारसी, रुस्तम जी इत्यादि को इन गहनों के ट्रस्टी बनाकर उनके नाम चिट्ठी तैयार करवा दी है और बच्चों से भी बात कर ली है। क्या कहा बच्चों ने? जरा मैं भी तो सुनूं। बच्चों ने कहा है, हमें गहनों से कुछ मतलब नहीं, ये सब चीजें हमें लौटा देनी चाहिए और अगर जरूरत होगी तो क्या हम खुद नहीं बना सकते? ओ, बच्चों का क्या, जैसा समझा दे समझ जाते। देखो, तुम्हें जरूरत ना हो, लड़कों को भी ना हो, अच्छा मुझे भी मत पहनने दो, पर क्या मेरी बहुओं को भी गहनों की जरूरत नहीं होगी? और कौन कह सकता है कि कल क्या होगा? नहीं, जो चीजें लोगों ने इतने प्रेम से दी हैं, उन्हें वापस लौटाना ठीक नहीं। बा, मैं लोगों के प्रेम को जानता हूं और फिर मैं उनकी चीजें उन्हें लौटा तो नहीं रहा, ट्रस्ट बनाकर जिम्मेदार लोगों को सौंप रहा हूं। अब रही बहुओं की बात, तो याद रखो, हमें गहने कपड़ों की शौकीन बहुएं नहीं लानी है घर में, और फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं तो हूं। हाँ, जानती हूं तुम्हें, वो ही ना हो जिन्होंने मेरे शरीर पर से सारे गहने उतरवा लिए, नंगा कर दिया मुझे। नंगा? अरे भाई, तुम्हें हंसी सूझ रही है? जब मुझे नहीं पहनने दे रहे हो तो बहुओं को तुम जरूर ला कर दोगे। भाई, तुम अपने लड़कों को अभी से बैरागी बना रहे हो। नहीं, बैरागी नहीं बना रहा हूं बा, भविष्य में होने वाली आजादी की लड़ाई के लिए त्याग और सादगी का पाठ सिखा रहा हूं। नहीं नहीं, जो भी हो, इन गहनों को मैं वापस नहीं लौटाने दूंगी। और फिर उस हार पर तुम्हारा क्या अधिकार है? वो तो मुझे मिला है। तुम क्या मुझसे अलग हो बा? और ये बताओ कि ये हार तुम्हारी सेवा के खातिर मिला है या मेरी? तुम्हारी सेवाओं में क्या मेरी सेवा नहीं है? मुझसे जो दिन रात मजदूरी कराते हो, क्या वो सेवा नहीं? मुझे रुला रुला कर जो दुनिया जहान के लोगों को घर में रखा और मुझसे उनकी सेवा कराई, वो कुछ नहीं? तो क्या तुम सेवा की कीमत चाहती हो बा? देखो, याद रखो, लोक सेवा के उपलक्ष्य में जो उपहार व्यक्ति को मिलते हैं वो उसकी निजी संपत्ति नहीं है। बोलो, क्या कहती हो? मैं क्या कहूंगी, तुम्हें जो उचित लगता है मैं उसे अनुचित कैसे कह सकती हूं? ठीक है, लौटा दो ये सब गहने, ट्रस्ट को सौंपना ही ठीक रहेगा। बा और बापू, अभी आप श्री विश्व प्रकाश दीक्षित बटुक द्वारा लिखित ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।